ये तस्वीर गैंगरेप के आरोपी की है। नाम है दीपक मीणा, जिसकी 6 महीने के बाद गिरफ्तारी हुई। नाबालिग से गैंगरेप के मामले में ये गिरफ्तार किया गया। बीते साल मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन दीपक मीणा कौन है जानते हैं? दीपक मीणा राजगढ़ विधायक जोहरी लाल मीणा के सुपुत्र है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब 13 जनवरी तक जेल भेज दिया गया है। जोहरी लाल मीणा राजगढ़ विधायक, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर कई सवाल भी उठा दिए हैं। विधायक पुत्र की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने सवाल दागे और सामने आए सतीश पूनिया। जानकारी मिली है कि कांग्रेस के विधायक जोहरी लाल मीणा के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुष्कर्म का, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला बहुत दिन से लंबित था, लेकिन सांच को कच नहीं, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने उनको संरक्षण देने की बचाने की कोशिश की बावजूद इसके, और पुलिस वहां तक पहुंची और ये कार्रवाई की। ये अपने आप में इंडिकेट करती है कि किस तरीके से अपराधों की पराकाष्ठा है, अपराधों में राजनीतिक संरक्षण की पराकाष्ठा है। और जब वो गिरफ्तार हो गया बहुत लंबे अरसे से, तो मैं तो पुलिस को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने हिम्मत का काम किया। जहां विधायक के बेटे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर कई सवाल थे, तो पुलिस की किरकिरी हुई और फिर ये गिरफ्तारी। 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने 2022 मार्च में दौसा के मंडावर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। लड़की ने विधायक के बेटे और 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। पूरा मामला मार्च 2022 में दर्ज किया गया, लेकिन ये पूरी घटना फरवरी 2021 की थी। पुलिस ने पहले तो मामला देरी से दर्ज किया, लड़की के आरोप के बाद विधायक के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया और फिर आरोपी दीपक मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। कोर्ट ने 23 जनवरी को दीपक मीणा को पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई तो नेता प्रतिपक्ष ने भी हमला बोला। विधायकों के पाप सामने आने लगे हैं। कभी MLA का बेटा रिश्वतखोरी में गिरफ्तार होता है, तो कभी सामूहिक बलात्कार के अंदर। पीड़िता ने गुहार लगाई थी सब जगह घूम घूम के। 164 CRPC में बयान भी दर्ज हुए थे, उसके बाद भी कार्रवाई का विलंब से होना, सरकार की सरपरस्ती के अंदर इस प्रकार की घटनाएं निश्चित तौर पर शर्मनाक है। अब इस सरकार को अपने दामन पर, अपने लगे छींटों पर खुद ही देख लेना चाहिए कि इनके छींटे कितने गहरे हो रहे हैं। अबलाओं का ये अनाचार अत्याचार इस सरकार के ताबूत में आखिरी भी होगा। समय आने से ठीक पहले पुलिस ने आरोपी दीपक मीणा को गिरफ्तार किया है। में एक बलात्कार का मुकदमा, गैंगरेप का मुकदमा जो समलेटी होटल में हुआ था, उसमें पूर्व में 2 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके थे। तीसरे मुलजिम को पुलिस ने, जो जोहरीलाल मीणा का लड़का है दीपक, उसको पुलिस ने नाम काट दिया था। उसका चार्जशीट पेश होने पर कोर्ट ने उसमें दीपक मीणा और दीपू के खिलाफ संज्ञान लिया और रिट वारंट जारी किए थे, जिसकी पालना में गिरफ्तार नहीं कर रहे थे और छिपते हुए भग रहा था। तो हमने हाईकोर्ट में पिटीशन लगा के निवेदन किया कि माननीय गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश की, गिरफ्तारी वारंट की पालना नहीं हो रही और दीपक मीणा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उसकी पालना में हमने हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गिरफ्तारी के लिए। तो उसमें माननीय SP साहब को व्यक्तिगत तलब 23 जनवरी को कर रखा था, उसकी पालना में आज पुलिस ने जोहरीलाल मीणा के लड़के दीपक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और JC के आदेश कोर्ट ने फरमाए। लेकिन हम आपको विधायक जोहरीलाल मीणा को पुराना बयान सुनाते हैं। जब बेटे पर आरोप लगे तो विधायक साहब ने किस तरह से बचाव किया था और आरोपों को झूठा बताया था। जो मेरे बेटे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है वो बिल्कुल झूठा है, निराधार है और वो राजनीतिक एक षड्यंत्र है। मेरी लोकप्रियता को देख करके और कुछ लोगों ने परेशान और अपना स्टंट बना करके राजनीति मुझे डैमेज करने के लिए मेरे बेटे के ऊपर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। इन लोगों ने पूर्व में मेरे खिलाफ FIR दर्ज की थी, वो तब तीस में बिल्कुल झूठी और निराधार असत्य मानी गई है। इसके बावजूद उन्होंने ये नया षड्यंत्र रचा है, जिससे इसकी लोकप्रियता खत्म हो और मुझे राजनीति नुकसान हो, क्योंकि जो भी नजदीक चुनाव होते जा रहे हैं इस प्रकार का षड्यंत्र करना है लोगों का, ये दुष्प्रचार है, ये शोभा नहीं देता राजनीति में भी और सामाजिक कार्यकर्ताओं में। राजस्थान में गैंगरेप के मामले कितने शर्मसार है ये तो आंकड़े ही बता देते हैं। और अक्सर ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो हैरानी नहीं होती, क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले राजस्थान में आते हैं।
लेकिन जब बात गहलोत के विधायक के बेटे की आए तो सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि दीपक मीणा ने दोस्तों के साथ मिलकर फेसबुक पर पहले लड़के से दोस्ती की, फिर होटल में गैंगरेप किया, अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाई, और उसके बाद लड़की ने जब मामला दर्ज कराया तो पुलिस ने उस वक्त क्या कहा था वो बयान भी सुन लीजिए। लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरे भाई की पुत्री को फेसबुक के जरिए दोस्ती होने के बाद में दीपक शर्मा निवासी थोमड़ा थाना रेणी से दोस्ती हो गई, जो अपने दोस्तों के साथ में, जिसमें दीपक सनोप जोरीलाल वर्तमान MLA का पुत्र है, एक समलेटी का है नेत्राम जी समलेटी हैं, इन तीनों ने समलेटी पैलेस होटल जो मेरे थाना क्षेत्र में पड़ती है उसमें कोई नशे में पदार्थ खिला करके सामूहिक गैंगरेप किया और उसके नग्न फोटो वगैरह खींच लिए। उन दोबारा से उन्होंने उन नग्न फोटो दिखा करके उसको ब्लैकमेल किया और घर में रखे 15,40,000 रुपये मंगवा लिए और जो घर में रखे जेवरात वगैरह वो भी मंगवा लिए और इसको ब्लैकमेल करते रहे, अगर तुमने किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज कराई तो तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। इस प्रकरण का दर्ज होने के बाद में अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब वरत महुआ द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, इस बार गिरफ्तार सत्ता पक्ष के विधायक के बेटे से जुड़ी है, क्योंकि ये गिरफ्तारी बड़ी है लेकिन जिसके बाद बीजेपी अब लगातार गहलोत सरकार को निशाने पर ले रही है, क्योंकि सवाल तो बनता है जहां राजस्थान में गैंगरेप के आंकड़े चौंकाने वाले हो वहां सत्ताधारी पार्टी के विधायक और उनका बेटा इस तरह की करतूत करता है तो सवाल राजस्थान सरकार पर उठना लाजमी है।